पहले पूरी टीम को बधाई, और बहुत चौंकाने वाला ट्रेलर था, अनएक्सपेक्टेड। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि एक्टिंग करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है, दे ऑल आर रॉ, और सबने सिचुएशन को ना एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये समझ में आता है कि एक परिपक्वता के साथ फिल्म बनाई गई है, और दर्शक निश्चित तौर पर, क्योंकि आज का बदला हुआ दर्शक है, पूरे वर्ल्ड का कंटेंट देख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कंटेंट भी उसे बहुत पसंद आया। ये इश्तियाक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं और मुबारकबाद भी है कि हालांकि जुझारू वो बहुत पहले से हैं, पहले से तीन तीन काम करते आ रहे हो। जब पन्ना से सागर पहली बार आए थे तब उन्होंने नेट भी किया था, बाबा करण जी के साथ म्यूजिक भी किया था, और स्टेज भी संभाला था, और रात में खाना भी बनाते थे। तो रंगकरण से आए हुए व्यक्ति हैं, तो मल्टीपर्पज होता है। देखिए, एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इस दौर में ये हो रही है कि हमारे टाइम में जो कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा को दो अलग भागों में विभाजित करके रखा हुआ था, वो अब सब एक हो गया है। अब कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा है और आम आदमी भी उसका हीरो है। जैसे अभी इश्तियाक भी हीरो है, उस समय में सिर्फ हम शाहरुख को हीरो मानते थे, आज हम सब हीरो हो सकते हैं। तो ये फिल्म जो है इसमें हर एक हीरो है। बहुत प्राउड फील होता है हमें, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमारे लिए भी अब धीरे धीरे रास्ते खुल रहे हैं और हम कुछ और नया सोच पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा डिजिटल माध्यम में देखने को कंटेंट है। तो ऐसे कंटेंट जब आएंगे तो हम लोगों की दिशा बदलेगी, हम लोगों की सोच बदलेगी, हम अपनी क्रिएटिविटी को जो इतने सालों से दबाए बैठे हैं वो हम उसको उजागर कर पाने की ताकत बटोर पाएंगे। 29 मैं बहुत खुश हूँ, इश्तियाक जी के साथ काम किया हुआ है। हम सब एक्टर हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हम साथ में काम किए हुए हैं, और एज अ डायरेक्टर इश्तियाक जी को देख के बहुत खुशी हो रही है। वन मोर फेदर फॉर हिम, एंड आई रियली वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ देम। विकास जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और आई एम वेरी श्योर लोगों को ये फिल्म भी बहुत पसंद आएगी, और डेफिनेटली हम लोग सब शेयर करेंगे, एंड वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच। यही बोलूँगा कि पिक्चर 29 को रिलीज है, और आप जाइए थिएटर में देखिए। पिक्चर का ट्रेलर तो आपने देखा ही है, ये तो अच्छा लग रहा है, बाकी ऑडियंस बताइए। बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत बढ़िया इंसान है, पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है, पहली मूवी बनाई है, बहुत बेहतरीन मूवी है। बाकी तो मैं यही जानता हूँ कि पिक्चर जब थिएटर में रिलीज होगी, ऑडियंस जो बोलेगी, ऑडियंस ही माई बाप है। मुझे बहुत अमेजिंग लगा, क्योंकि मैं बीइंग एक एक्टर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस मैं इस फिल्म को फील कर सकती हूँ। इसमें क्राफ्ट है, डेप्थ है, और जो रेगुलर लाइफ में चल रहा है लोगों की, जिसमें ईर्ष्या है, लालच है, ये बहुत ऐसी फिल्म है जो एक्टिंग वाले फील्ड के लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल ऑडियंस भी कनेक्ट कर सकती है। तो मुझे पर्सनली खुद एज अ ऑडियंस बहुत अमेजिंग लगा। ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा, 29 तारीख को हमारी पिक्चर रिलीज है, आप लोग जाइए थिएटर में और देखिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। आप इधर पे आइए, हमारे सर। अच्छा, देखिए ये क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, तो जब नाटक करता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती है, म्यूजिक भी करना पड़ता है, इधर तक कि टेबल भी उठानी पड़ती है और कपड़े भी सिलने पड़ते हैं। तो जो ट्रेनिंग है वो इसी तरीके की थी, तो ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, टेक्निकल जो चीज़ें थी उसके लिए हम लोगों ने DOP ऐसा लिया था कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, और हमारे आसपास जो टीम बनाई थी वो ऐसी बनाई थी कि कुछ भी ऐसा समस्या ना हो जो मैं जानता नहीं हूँ, वो गलत ना हो। बाकी कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग नाटक पे ये फिल्म बना रहे थे, तो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पहले से लिखा हुआ था, उसको फिल्म तब्दील करने के लिए
करीब 6-7 महीने हम लोगों ने लगाए और जब वो बन गई तो उसका रिजल्ट जो है 29 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। मैंने जो ट्रेलर देखा है उसमें तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म देखनी ही देखनी चाहिए और हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो जिसे सिनेमा और थिएटर से प्यार है। और आपका जो ट्रेलर में काम दिख रहा है वो काबिले तारीफ है और आपने डायरेक्ट भी किया है, तो वो चीज़ तो बहुत ही देखने लायक है कि मैं इनका फ़ैन हूँ और मैंने इनका जितने भी काम देखे हैं वो बहुत ही उम्दा है। आई एम श्योर कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो गाइज, आप सब लोग सिनेमा हॉल जाइए और इस फिल्म को ज़रूर देखिए। थैंक यू। देखो, सबसे पहला पार्ट अगर किसी मूवी को वाकई मीनिंगफुल बनाना है तो कंटेंट सिलेक्शन ही होता है। कंटेंट सिलेक्शन के बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो तो एक्टर, डायरेक्टर, राइटर संभाल लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो सबसे पहला था वो हमारा कंटेंट को लेके ही था। तो मेरा मानना यह है कि फिल्म की जो भी अप्रिसिएशन आएंगी वो आप लोगों की वजह से आएंगी, फिल्म के अच्छे कंटेंट की वजह से आएंगी। और आज भी लोग इंडिया में एक अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं, तो सुपरमैन, बैटमैन तो लोगों ने बाहर से मंगा लिए, वरना रियल सिनेमा ऑफ इंडिया यही है जो हम लोग दिखा रहे हैं। उसके बाद मेरा पॉइंट यह है कि रियल कंटेंट ऑफ इंडिया है। साकिर भाई, नहीं नहीं, इश्तियाक तो अपने आप में, इश्तियाक ने अपने आप में फिल्म लिखी हुई थी। मेरे को मिलाने का काम किया था हम लोगों के आशीष गुप्ता, जिस फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने ही हमको इश्तियाक भाई से मिलाया था और फिल्म अपने आप में बनती चली गई सब लोगों की हेल्प। बहुत ही खराब है। देखिए, मेरा ये मानना होता है जब भी कोई पहली बार कुछ काम करता है उस एफर्ट के मैं 10 में से 11 नंबर दूँ। कैसा लगा, अच्छा था, ख़राब था, इसमें जाने का नहीं, मैं उसमें कभी भी नहीं जाता। एक आदमी ने मेहनत की, उसके साथ एक टीम जुड़ी, उसने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट किया। अब आप उसको मुगले आज़म से कंपेयर करेंगे तो कहीं ठहरती नहीं। वो अपना कुछ कहना चाह रहा है उसके हिसाब से, ये अपना काम नहीं है कि ट्रेलर कैसा है। टेक्निकली मुझे भी नहीं पता कैसा है, फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा। और मैं इसको, बाकी पूरी टीम को जिन्होंने प्रोड्यूस की, जिन्होंने प्रेजेंट की, इसने लिखी, डायरेक्ट की, इस एफर्ट के 10 में से 11 नंबर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चार इंसान के बारे में बोलती है, छोटे से छोटी बात जो दिल को भर कर जाती है, उसके साथ, उस जज्बे के साथ कैसे इंसान जीता है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म हर किसी को देखना चाहिए, उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हमें कैसे अपने जज्बातों पे काबू पाना होता है। आम दर्शक की पिक्चर है, उसे ज़रूर देखना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहिए? मुझे लगता है अभी तक सब बोल ही चुके हैं फिल्म के बारे में, इसे सबको देखना चाहिए और ये अंदर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। ये सब शायद कुछ लोगों को थोड़ी फिलोसफिकल भी लग सकती है, बट हम लोग गए झारखंड के एक छोटे से गांव में जिसका नाम अभी के पता नहीं, जैसे होता है उनके जिलों का नाम वैसा है, पर क्योंकि किसी ज़माने में अंग्रेज़ आए हुए थे तो उसका नाम मैक्लूस्की गंज रखा गया था। तो हम और हम शेक्सपियर के एक नाटक का सटायर बना के ये प्ले कर रहे थे, तो काफ़ी कमाल तरीके से नाटक लिखा गया है। और जैसा कि इश्तियाक ने कहा कि नाटक और ओमकारा के बीच का हमने कुछ किया है, विच सेज दैट इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। सो आप देखिए, आशा है कि बहुत पसंद आएगा। लेकिन इसमें लड़कियां जो गांव में अभी भी हैं, जो पर्दों में भी हैं, और वो कैसे अपनी चीज़ों को बाहर लेके आती हैं, वो भी इन चीज़ों में देखा है। लिबरल जो होनी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ देखिए इस फिल्म को। इस
इश्तियाक भाई के लिए और पूरी टीम के लिए ऐसे शुभकामनाएं निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये काम मैंने ही किया है, क्योंकि हम सब जिस स्कूल से ट्रेनिंग लेके आए हैं और जिस बैकग्राउंड से हम सब जो जर्नी करके आए हैं, तो हम में से कोई भी एक जो कदम बढ़ाता है तो ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा खुद का कदम है, तो बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। और मेरी शुभकामनाएं हैं इश्तियाक को, उनकी पूरी टीम को, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में और भी बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के सिनेमा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देना चाहूँगा और अपने छोटे भाई विश्वजीत को, विश्वनाथ को, इन लोगों ने मिलकर जो फिल्म बनाई है, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इसके लिए, और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं लोग, तो मेरा यही है कि खूब सारी ऐसी फिल्में बननी चाहिए। 29 तारीख के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही खूबसूरत बात है। हम लोग नाटक इकट्ठे करते थे, ये गाना गाता था, मैं डांस करती थी, वो वाली बात है, वो वाला रिश्ता है। इसके साथ मैंने इसके साथ वैसे से अभी फिल्म काफ़ी डांस कर रही हूँ, लेकिन निर्देशक के तौर पर मुझे बहुत ही खूबसूरत बात मिली है। इश्तियाक में ये बनाना बहुत मुश्किल होता है, अच्छे एक्टर्स को इकट्ठा करके उसको निर्देशन देना इजी बात नहीं है, उसमें एक्ट भी करना ये कोई आसान बात नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम और सो प्राउड ऑफ इश्तियाक कि इसने इतना अच्छा कदम किया है, तो मेरी बहुत हार्दिक एंड मुझे चाहिए कि तुम और बहुत सारी फिल्में बनाओ और बड़े बड़े काम करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट पूरी टीम को, बहुत बहुत बधाई। मालूम है कि आप सब लोग यहाँ आए, बाकी लोग यहाँ आए, इन्होंने ट्रेलर देखा, थैंक यू सो मच। हम लोग जब हिस्सा थे, हम लोग पहले से, मैंने अभी पोडियम पे ये बोला कि साथ में हम लोग ने शुरू किया था, एक छोटे से मोमेंट से शुरू किया था, आज इस जगह पहुँचे, बड़ा बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है। इश्तियाक भाई एज हम लोगों को ये सीनियर है, हमारे एनएसडी के भी बड़े भाई जैसे हैं, और हमको इन लोगों ने, इश्तियाक भाई ने हम सबको लीड किया, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है कि हम लोग सब साथ में आए, खास करके विकास जी का एंड अपने कंपिंग टमाटो तो ग्रुप का पूरे सब लोग, तहे दिल से शुक्रिया। 29 तारीख को आप लोग देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये फिल्म बहुत चैलेंजिंग थी जब हम लोग गए थे झारखंड में शूट करने के लिए, क्योंकि उस एरिया को नक्सल लोगों ने उड़ा दिया था, उस गांव को, तो वो चैलेंजिंग कंडीशन में शूट किया। और सबसे बेहतरीन बात है इस फिल्म में कि इसके जो एक्टर्स हैं, जो एनएसडी के एक्टर्स हैं, मतलब सब लोग एक भाईचारा के साथ, एक परिवार के जैसा हमने शूट किया, कभी महसूस ही होने नहीं दिया कि मैं कैमरा कर रहा हूँ या एक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं या कुछ हो रहा है करके। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सबको कि 29 तारीख को सारे लोग ये फिल्म को देखें और बेहतरीन तरीके से इसका प्रचार करें। थैंक यू। हमने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से इस फिल्म को बनाया है। काफ़ी समय लगा हम लोग को फिल्म को बनाने में, क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने इस फिल्म को एज अ प्ले परफॉर्म किया था, तो हमने बहुत लगाव लगाया, हमने बहुत दिल जोड़ा है इस फिल्म के साथ, और उम्मीद बस यही है कि ट्रेलर का रिस्पॉन्स हमारा अच्छा आ रहा है। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा है, और अपनी फिल्म को वैसे भी कोई बुरा बोलता नहीं, लेकिन बहुत ही सच के स्पेक्ट्रम पे मुझे बहुत अच्छा लगा है ट्रेलर, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ट्रेलर देखिए। फिल्म इससे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। 29 तारीख को ये फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में होगी, आप देखेंगे, हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग जो बिल्कुल मतलब ज़मीन से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं था फिल्म मेकिंग में, घर परिवार में, हम सब अपनी मेहनत से बने लोग हैं, हमें आप ही सबका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाकी ये ट्रेलर अच्छा था कि नहीं था, मैं आप प्लीज़ कुछ माना चाहूँगा, मेरे कुछ दोस्त आए थे, ये सचान सच सच बताओ लोगों को कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा? मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बोलो, सच बोलना भाई। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ट्रेलर देख के, और काफ़ी रिलेटेबल था, लाइक आप बोलेंगे छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक, ये ऊंचा नीचे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर आदमी का अंतर्द्वंद की कहानी है, जो कि मुझे लगा हर किसी को देखनी चाहिए थिएटर पे जाके। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो ऐसे ही रिस्पॉन्स मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे दिया, तो आप लोग ये ट्रेलर देखिए, बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है इश्तियाक दादा ने, बहुत ही कमाल लिखा भी है, इसका जब नाटक बना वो भी हिट था, फिल्म बनी है, आप लोग ही हैं जो इसे हिट करा सकते हैं, और बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, एक्टर जो है कमाल कर रहे हैं इसमें क्योंकि ये उसमें ये भी दोनों लोग एक्टर हैं, तो ज़रूर देखें।
बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ही तो है एक ऐसी कड़ी जो हम सब लोगों को जोड़े हुए हैं। तो इत्तेफाक से आज उनकी शूट है, मथुरा में है वो, लेकिन लगातार जुड़े हुए हैं, फ़ोन करते चले जा रहे हैं कि क्या हुआ, कौन कौन आया, कौन नहीं आया है। तो बाकायदा पोस्ट कर रहे हैं वो पोस्टर्स को, चीज़ों को, वो भी उतने ही जुड़े हुए हैं फिल्म से जितना कि हम, बस उनका शूट था तो किसी का काम तोड़वा के तो नहीं ला सकते उसे यहाँ। चलिए, आशा है आप लोग फिल्म देखेंगे और अच्छी लगेगी, ये भी आशा है जी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ट्रेलर बहुत इम्प्रेसिव है, किस तरीके की कंटेंट ड्रिवन फिल्म में आनी चाहिए, किस तरीके का कंटेंट बहुत सारा ओटीटी पर आता है और बड़े स्क्रीन पर हम लार्जर देन सिनेमा देखते हैं, इस तरीके की जो फिल्म है, एक्टर्स अच्छे हैं, स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मुझे ट्रेलर भी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इस तरीके की फिल्म में दर्शक पसंद करेंगे और ओटीटी के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी ऐसी फिल्मों की मांग होगी। मुझे ट्रेलर बड़ा अच्छा लगा, खासकर जो मीडी एक्टर है संजय जी का काम मुझे बड़ा अच्छा लगा और ट्रेलर में एक एक्साइटमेंट है, उससे लगता है कि लोग दर्शक सिनेमा घरों तक आएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, इश्तियाक भाई का प्रयास बहुत बढ़िया था और कमाल की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है और चलेगी और सब अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बड़े ढंग से रिलीज़ हो रही है फिल्म, बहुत कमाल का आप लोग आए हो सब और सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। कस्टम आता है फिर उसको फिल्मों में अडॉप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो वो पहले एक थॉट सोच चुका है, बट आई थिंक क्या कि इतना बेहतर काम किया है, फिल्म इतना अच्छे से अडॉप्ट किया है, पूरे हिंदुस्तान को मज़ा आएगा है देखने में। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। थैंक यू। सब ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा है, सबसे पहले तो मैं प्ले देखा हूँ और इश्तियाक भाई को मैं बहुत दिल से जानता हूँ, इनकी अदाकारी तो भाई सारी दुनिया जानती है, राइटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, इस तरह की फिल्म बना सकते हैं ये मेरे लिए थोड़ा अच्छा था एकदम से, और मुझे लगता है कि जो जिसे एनर्जी जो है वो फिल्म की और नाटक की एनर्जी थोड़ी अलग है, इन्होंने बखूबी उसको पकड़ा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही क्योंकि जो नाटक का सुर होता है वो बहुत ऊपर होता है, इसमें उसको बहुत बखूबी इन्होंने मैनेज किया है। हालांकि आते ही इन्होंने बोल दिया कि मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, लेकिन ट्रेलर देख के मुझे ऐसा नहीं ये बहुत सारी फिल्में बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का भी, और आप लोग भी फिल्म को थोड़ा पुश कीजिए, ऐसी फिल्म को पुश की ज़रूरत होती है और मुझे लगता है कि सारी ऑडियंस को फिल्म बहुत अच्छी। जी, ट्रेलर तो काफ़ी शानदार दमदार है, बाकी मैं तो फिल्म का रीडर हूँ तो अपनी फिल्म की क्या तारीफ करूँ, मैं चाहूँगा दर्शक खुद देखें, और इसमें जो यूनिक जो एमलगेशन है इमोशन का, हर ह्यूमन इमोशन का, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो प्रतिस्पर्धा हो, तो ये फिल्म जो है सही मायने में जो शेक्सपियर का ओथेलो है उसको जीवंत किया है और एक छोटे से गाँव में उसको रूपांतरित किया हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो मेहनत है जो इश्तियाक भाई की, वो आप सभी को देखेगी 29 तारीख को, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सभी आएँ और इस फिल्म को देखें। ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी शुभकामनाएँ इश्तियाक को, इश्तियाक बहुत अच्छे एक्टर हैं, अब डायरेक्टर भी बन गए, और मेरी शुभकामनाएँ रोहन दीप को, जंपिंग टोमेटो स्टूडियोज़ को, इन्होंने ऐसी फिल्म को बैक किया, बहुत ज़रूरत है ऐसे प्रोड्यूसर्स की जो ऐसी छोटी फिल्म को, अच्छे कंटेंट वाली फिल्म को बैकिंग दें, बहुत कम लोग हैं ऐसे। ऑल माय विशेस टू जॉइंट टीम एंड टू रोहन दी एंड टू इश्तियाक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये द्वंद्व ही है और हर इंसान के अंदर एक द्वंद्व है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कोई अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है, कोई हंसने के लिए लड़ रहा है,
कोई ना रोना पड़े इसलिए लड़ रहा है। तो अब हमारी लड़ाई ये है कि हम कैसे किस तरीके से ये फिल्म जैसी बनाई है वैसी ही आप तक पहुँचाए, कैसे पहुँचाए वही द्वंद चल रहा है कि आप लोग देखें। तो मेरी तो यही इल्तिजा है, या मैं ये कहूँ कि मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसी फिल्मों के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमने, हमारी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया है, विकास वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारी टीम के ऊपर विश्वास किया। जंपिंग टमाटो जो हैं वो जो रिलीज़ कर रहे हैं रोहनदीप सिंह, वो बड़े इतने ज़्यादा उत्साहित हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो उत्साह कम ना हो, और वो कम तभी नहीं होगा जब आप लोग फिल्म देखने जाएंगे। तो प्लीज़ फिल्म देखिए। देखिए कठिनाई तो हर चीज़ में आती है, तो मैं आज खुशी का दिन है तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कठिनाई का जिक्र किया जाए। आप प्रोडक्ट बन चुका है, आप आइए और आनंद लीजिए। संजय सर हमारे साथ कई काम कर चुके हैं, हम लोग को एक्टर रहे हैं, तो सबसे पहले एक कैरेक्टर जो जहन में आया कि भाई ये गुरुजी का कैरेक्टर किसको दें जो बहुत ज़्यादा सीरियस भी ना लगे और बहुत ज़्यादा कॉमिक भी ना हो, तो उसका बैलेंस कुछ हो। तो एक ही चेहरा जहन में आया, वो है संजय मिश्रा जी, और उनको जब कहानी सुनाई तो उन्होंने कुछ ना तो पैसे के बारे में बात की, ना कुछ ये बोला कि तुम बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, उन्होंने कहा कंटेंट इतना अच्छा है, मैं कर रहा हूँ तुम्हारी फिल्म। मैं यही कहूँगा कि हंसना है और अपने आप को अगर समझना है तो फिल्म देखने आइए, ज़रूर आइए, मेरी यही इल्तिजा है।